वेलकम टू योर चैनल एक्सप्लोर विद पोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल का सेकंड बिगेस्ट मेला, जिसका नाम है बानीपुर लोक उत्सव। जाएंगे, खाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कैसा है मेला, क्या क्या मिल रहा है, कैसा है खाना, और उसके बेस पे आप तैयार हो सकते हो कि आपको यहाँ पे आना है या नहीं। सियालदह स्टेशन से आपको 1.5 hours की डिस्टेंस है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये मेला, जनवरी फरवरी तक हर साल ये मेला होता है मेरे ख्याल से। आज चलते हैं, देखते हैं कैसा खाना है, कैसा जगह है, क्या क्या मिल रहा है, और आपके साथ शेयर करते हैं। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं मेले में। ये है एंट्री गेट ऑफ बानीपुर मेला, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है एंट्री गेट नंबर 1। और इधर भी एक गेट है, दिख रहा है ये मेरे पीछे वाला है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री गेट। और इधर जो दिख रहा है आपको, ये वाला है इनका जो फूड स्टॉल वगैरह ये सब का मेन गेट। और इधर आपको देखने की चीज़ें मिलेगी, एग्जीबिशन मिलेगी। तो एग्जीबिशन हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फूड भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, लेट्स गो। आगे आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे जूट से एक क्राफ्ट मेकिंग चल रहा है, आप चाहो तो खरीद सकते हो, डायरेक्ट आपको सामने से बना के दे रहे हैं। आपको यहाँ पे स्कूटी भी मिल जाएगी। वाओ, आप मेले पे आके ज्वेलरी भी खरीद सकते हो, दरवाजा भी लगाया है इन लोगों ने, नो चोरी। ओह माय गॉड, सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल यू कैन गेट हियर, सब कुछ फर्नीचर वगैरह भी मिल रहा है। This shop is looking so good. It's totally craft making shop है। अच्छा हो तो इस शॉप पे विजिट कर सकते हो। It's looking nice. ये गर्ल स्पेशल है जिनको इयर रिंग्स का बड़ा शौक है। और ढेर सारे इयर रिंग्स खरीद सकते हैं। घूमते घूमते हमें क्या मिला, ये मिल गया है जहाँ से आप पुराने ज़माने के तौर पे टैटूज बना सकते हो, मेहंदी टाइप का जो होता है हाथों में। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आप तो टैटू भी बना सकते हो। वाओ, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर एग्जीबिशन है यहाँ पे, लाइन से फ्लावर्स के टब रखे हैं। देखिए, हमारे साथ आए हैं हमारी मम्मी जो हाय कर रही है सबको। ये रहा मेलों के बीचों बीच एक छोटा सा शॉप, मेरी मम्मी ने ऑलरेडी चाय ले लिया है, देखिए चाय पी लिया, हम भी चाय लेते हैं। अंकल लेमन टी बना रहे हैं, लेमन टी मिल गया है, 5 rupees का लेमन टी मिला है जिसमें मसाले हैं, चाय बहुत गर्म है। ये रही चाय, और पी के देखते हैं कैसा है चाय। चाय थोड़ी सी मीठी है जैसे मुझे पसंद है, चाय बहुत अच्छी है। 5 rupees में लेमन प्रॉपर है, स्वीटनेस प्रॉपर है, इसका कलर बहुत अच्छा है, यू कैन सी द कलर, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आगे भीड़ आपको एक बार दिखा दें, बैकग्राउंड से भीड़ अभी लग नहीं हुई है, भीड़ देख पा रहे हो कितने ज़्यादा ऑलरेडी क्राउड आ गया है। अब आगे चलते हैं, फूड एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं कैसा है। घूमते घूमते हमें यूनिक एक खाना दिखा है जिसका नाम है मथुरा केक। मथुरा केक का दुकान हमारे पीछे दिख रहा है, ये मथुरा केक का दुकान है, जाके केक लेते हैं और खाने में कैसे हैं वो चेकआउट करते हैं। ये है मथुरा केक का शॉप, ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है। जब तक भैया फ्राई कर रहे हैं मथुरा केक, तब तक पूछ लेते हैं इसका प्राइस क्या है और भैया लोग कहाँ से आए हैं। हेलो, बोलो, आप लोग कहाँ से आए हो? नदिया से। ओके, और ये जो मथुरा केक है कितना टाइम पुराना है, मतलब आप लोग कितने दिन से इधर आ रहे हो? मतलब 4-5 साल पुराने तो होंगे। और कितने एक का एक पीस है? 10 rupees। टेस्टी होगा ना? ओके, तो फ्रेश बनता है, फ्रेश ही बिक जाता है ना। चलिए ठीक है, खिलाइए, देखते हैं कैसे खाने में।
फाइनली भैया हमें दे रहे हैं हमारे वाला, दे दीजिए। ये यहाँ पे डिप हो गया है और हमें मिल गया है, लेट्स चेक इट आउट। सो फ्रेंड्स, हमारे पास आ गया है मथुरा केक। तो मथुरा केक को टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये खाने में कैसा है। मास्क पहनना ज़रूरी है यहाँ पे, लोग नहीं तो कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि बहुत साल बाद ये कोविड के लिए बंद था, मेरा खुला है। सबको बोल रहे, कोई मान रहे, कोई नहीं मान रहा। हम तो ब्लॉग कर रहे हैं, हमें मानना ज़रूरी है, तो इसलिए मानना पड़ रहा है। मास्क पहन के खाना पड़ेगा। तो टेस्ट ही खुशबू है वो बड़ा 10 रुपये में इतना बड़ा पीस मिल रहा है। यहाँ का बंगाल का कल्चरल स्वीट डिश है, इसको पीठे कहते हैं, इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सो ये दो आंटी बना रही है, ये दुकान पे हम आए हैं एंड टेस्ट करेंगे यहाँ का पीठ। तो आपको थोड़ा क्लोजली दिखा दे कैसे ये बन रहा है। यहाँ पे आंटी बना रही है, यहाँ पे बना है एक पीठ है, यहाँ पे दूध से बनाया है, कुछ रसमलाई टाइप का है पीठ है, यहाँ पे फ्राइड है रस में डुबाया हुआ, ये मालपुआ है, ये स्टीम है, स्टीम किया हुआ पीठा है, ये भी फ्राई किया हुआ है, और यहाँ पे एक मलाई टाइप का रखा हुआ है और इसको कहते हैं पाटी चपटा। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वन। आंटी बोल रही है इसमें थोड़ा स्वीटनेस कम रहेगा, तो खा के देखते हैं, क्योंकि हमने जो मथुरा केक खाया था उसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस था, तो इसीलिए हम ये वाला खा के देखते हैं ये कैसा लगता है। तो आंटी एक पीस पाटी चपटा दे दीजिए, खा के देखते हैं कैसा है। आपने खुद बनाया है ना? चलो, आंटी ने खुद ही बनाया है, अभी गरम गरम फ्रेश है, खा के देखते हैं कैसा है। हमारे पास आया गया है पाटी चपटा, आपको दिखा दे क्लोजली पाटी चपटा कैसा है। ये ग्रोल टाइप का है, स्वीट है, अंदर नारियल और ट्रेडिशनल संदेश का मिक्सिंग है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। कम स्वीट है, खाने में थोड़ा सॉफ्ट, हल्का सा क्रंची है, अंदर संदेश है, नारियल है, बहुत टेस्टी है, हल्का सा स्वीट है, घर वाला टेस्ट है। आंटी का हाथों का मुझे तो वजन लाया, 20 रुपये का है, मेरे लिए 20 रुपये का फ्रेश फूड इज टेस्टी। सो हम आ गए फुचके की दुकान में, फुचका दिख रहा है, दुकानदार का नाम है, नंबर है, और यहाँ पे हमारा फुचके का अंदर में जाने वाला स्टफिंग है, और ये वाला है हमारा फुचके का पानी। सो फ्रेंड, हमें फुचके का बाउल मिल गया है, फुचका आ रहा है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। फुचके में पानी है, आलू है, आप एक बाइट ले लो, उसके बाद हम बाइट करके देखते हैं। बहुत तीखा है, दूसरी जगह से अच्छा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे पानी थोड़ा कम पसंद है, हम कुछ खाता है आपसे बाद में मिलता है। आ गए हम पानी की दुकान पे और फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं फायर पान। यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको सुनाई में दिक्कत हो सकता है। भैया बनाना शुरू कर रहे हैं हमारे लिए फायर पान। यहाँ पे चार्ट लगे हुए हैं किस पान का क्या प्राइस है, और क्या लिखा पता नहीं है कुछ होगा। मैंने दो चीज़ ऐड किया है, फिर एक मसाला ऐड किया है, इसका नाम से चवन कहते हैं शायद, वो वाला ऐड किया है। ये भी कुछ मसाले हैं, ये ज़्यादा मीठा मत बनाइएगा, थोड़ा कम मीठा रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए सब कुछ। चलिए, रंग बिरंगा हला पीला बहुत कुछ डाल रहे हैं भैया। चलिए चलिए टेस्ट करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, वो भी है नया एक्सपीरियंस है, मम्मी हंस रही है, मेरा शॉपिंग का जैसे अचानक से आ गए हैं। तो फाइनली भैया ने पान दे दिया है, भैया का दुकान से आएंगे तो पान खा लीजिएगा। 40 रुपये लिया है एक पान का, 40 रुपये। तो पान के साथ ब्लॉग एंड करते हैं।
इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।